पुलिस की गिरफ्त में आया ये ऐसा शख्स है जिसने खुद को ही लूट लिया। जी हाँ, लूटने वाला भी यही है और लूटने वाला भी। अब इसके हाथ में जो पीली पॉलिथीन आप देख रहे हैं उसी में है लूट की रकम, पूरे 11,66,425 रुपए। अब आपको लूट की पूरी कहानी समझाते हैं। पंकज शर्मा नाम का ये शख्स दिल्ली के त्रिनगर में रहता है और पेशे से कैश कलेक्शन एजेंट है। 20 मई को इसने प्रशांत विहार थाने में लूट की FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि रोनी सेक्टर 8 से कैश कलेक्ट किया था। प्रशांत विहार के पास बाइक सवारों ने रोका, पिस्टल की नोक पर 11 लाख रुपए कैश लूटा। बाइक पर कुल 3 लोग सवार होकर आए थे। पुलिस ने इसकी शिकायत पर बिना देर किए FIR दर्ज की। टीम बनाई गई। टीम ने रोहिणी सेक्टर 8 से जापानी पार्क के बीच के 60 से ज्यादा CCTV फुटेज को खंगाला तो कोई संदिग्ध बाइक दिखाई नहीं दी। जब पंकज से सख्ती से पूछताछ की तो इसने कबूल किया कि लूट की कहानी मनगढ़ंत थी और ऐसा इसने लालच की वजह से किया था। पुलिस ने इसके घर से लूट की रकम 11,66,425 रुपए बरामद कर लिए और 24 घंटे में वारदात को सुलझा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।